नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट, मैं हूं नैना। राज्यसभा सीट को लेकर के आज बीजेपी और जेडीयू दोनों अपने अपने नामांकन करने के लिए उम्मीदवारों को विधानसभा पहुंचे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार सिंह। सर, आज क्या कहेंगे, जिस तरह से बीजेपी और जेडीयू ने दोनों नामांकन किए हैं सीट को लेकर के, और लेकिन आज जेडीयू कह रही है कि परिवारवाद को लेकर के, जो बीजेपी कहती है कि नहीं हम करते हैं, आज अपने वही चीज खुद से कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, परिवारवाद नहीं है, एक कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता को अवसर दिया गया है और वर्षों तक ही कई पद पर रहे हैं, इसलिए इस तरह का आरोप गलत है। जी, क्या कहेंगे सर कि 2020 के भी विधानसभा चुनाव में इस तरह के कुछ ऐसी बातें करने के लिए मिलेंगे? देखिए, ये नाटक, इनका नाटक नौटंकी चुनाव तक है या चुनाव के बाद भी ये सब समाज का सम्मान करते हैं, वो आने वाला दिन में पता चलेगा। ऐसे जेल जाने के बाद लोग कहते हैं कि सद्बुद्धि आता है, पश्चाताप करते हैं, तो नरसंहार में इस समाज का बहुत नुकसान हुआ था, तो पश्चाताप का शुरुआत किए हैं, तो मैं बधाई भी देता हूं, धन्यवाद भी देता हूं। आज ये आरोप लगा रही है कि सिर्फ मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, लेकिन अब तो वो वंशवाद के रास्ते पे चलना शुरू कर दिया। भारतीय जनता पार्टी में वंशवाद का कोई जगह नहीं है और वंशवाद वाले लोगों को अवसर नहीं मिलता है, कार्यकर्ता को अवसर मिलता है, ये एक कार्यकर्ता है इसलिए इनको अवसर मिला है। 2020 के विधानसभा चुनाव को क्या कहिएगा सर, किस तरह से आप लोग की तैयारी रहेगी? हम लोग सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास का भाव पर चलेंगे और सबको लेके चलेंगे। जी, कितने सीटों पर उम्मीद की जा सकती है सर की बीजेपी? ये नेतृत्व सक्षम नेतृत्व सफल नेतृत्व निर्णय कर लेंगे। जी, तो आपने सुन लिया कि किस तरह से बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार सिंह ने अपनी बातों को रखे, उनका साफ तौर से कहना है कि भगवान आरजेडी को सद्बुद्धि दे कि इस तरह का जो बेतुका बात जो करते हैं वो ना करें और जनता की भलाई की बात को सोचें। इस खबर बस इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें। आपका सहयोग समर्थन लगातार सिटी पोस्ट को मिल रहा है, आगे भी सहयोग बनाए रखें। धन्यवाद।